Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Mahal mana re, lakh bana le. Mahal mana re, lakh bana le. Dil na basa to kya? इश्क दा बंदिया फड़ ले बल्ला इश्क खुदा तेरा पैमाने वफा दस्तारे अना पैमाने वफा दस्तारे अना सब कुछ है यही रह जाना जिद बना दे जीद करा दे यार मेरा साया रांझण मेरा माही मेरा ढोल मेरा साया लीजिए बीजा आपका मुजरिम हाजिर मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरी मामा करेगी और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी मैं तानिया को गोली नहीं मारना चाहता था मगर जब उसने मुझे माँ की गाली दे कही कहा के मेरी माँ भी कोठे से लाई गई है अगर तुम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आबिद खान से खुशी के साथ शादी पर रजामंद हो जाती अपनी मामारिफत बेगम के साथ इस हवेली में रह सकती हूँ। लेकिन मुबारक हो रहीम गुल मैं महनूर को हवेली वापस ले आई हूँ जानती हूँ तुम्हें इस बात पर खुशी नहीं हुई कर, हम गरीबों की खुशी क्या और गम क्या मैंने कभी ये नहीं चाहा कि छोटी मालिक का हवेली से चली जाए मगर मैं जानता था कि आबिद खान से छुट्टी मालिकन की शादी उनको जिंदा दरकोर करता मैंने जो कुछ भी किया छुट्टी मालिकन की खुशी के लिए किया आगे उसका नसीब अफसोस अफसोस रहीम गुल तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं किया तुमने ना सिर्फ महनूर का और उस कमबख्त लड़के का माशका मुझसे छुपाया बल्कि मुझको मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से महरूम रखा लेकिन मैं कुछ समझा नहीं हाशिम खान की मौत के बाद भी तुम्हारा उसकी बीवी से रहा क्या ये गलत है नहीं मालिक मेरा कभी उनके साथ बराए रास्त रहा नहीं रहा वो तो आरिब साहब के जरिए मैं छुट्टी मालिकन की खैरियत बस पूछाता था उन्होंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि हाशिम खान की मौत के बाद रिफत ने एक बेटे को जन्म दिया था नहीं मालिक ये खबर तो मैं आपसे सुन रहा हूं तुम जानते थे रहीम गुल मगर अफसोस तुमने मुझसे नमक हराने की इतने सालों तक तुमने ये राज मुझसे छुपाए रखा बहुत अफसोस है आप बहुत जैसी चाय कसम उठा ले मालिक मेरे को ये बात आज से पहले मालूम नहीं थी मुझे मुझे सबसे अजीज छोटी मालिकन की कसम तो रहीम गुल जान लो कि रिफत ने 18 साल तक मुझको मेरे पोते से महरूम रखा मेरे हाशिम का बेटा खानों का खून
और इस रियासत का वारिस इस दुनिया में मौजूद था और उसने मुझे उसकी हवा नहीं लगने दी। अगर आप नाराज ना हो जाए तो एक बात कहूं मालिक, आपने छोटी मालिकन के मामले में रफत बेगम के साथ जो सुलूक किया उसके बाद आप उनसे खैर की तवक्का कैसे कर सकती हैं? उन्हें तो इस बात का खौफ होगा कि छोटी मालिकन की तरह उनका बेटा भी आप छीन लेंगी। तुम्हारी बातों से रहीम गुल, अब भी रिफत की वफादारी की बदबू आ रही है मुझे। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि तुम वो वाहिद शख्स थे जिस पर मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम अब भी मेरे दुश्मनों की जबान बोल रहे हो। मैं कल भी आपका गुलाम था मालिकन और आज भी आप ही का गुलाम। रहीम गोल, तुम्हारा जुर्म इस काबिल तो नहीं है कि उसे माफ किया जाए, मगर तुम्हारी और तुम्हारे आबा व अजदाद की वफादारी देखते हुए मैं तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए एक और मौका देती हूं। सर है आपका मालिक, हम तो गुलाम है आपके। मुझे उम्मीद है कि इस दफा तुम कोई गलती नहीं करोगे। कल सुबह से अपनी ड्यूटी संभाल लेना। ठीक है मालिक, जाओ हुकुम मालिक। लेकिन आपने मानूर को फरुख के बारे में क्यों नहीं बताया? उस दिन कोर्ट पे वापसी पे मैं सोचा था कि बता दूंगी, चाहती थी कि दोनों बहन भाई आपस में बात कर लूं। लेकिन आपने ज़ैबुन्निसा मैडम को बता के तो खतरा मोल लिया। नहीं बेटा, मुझे लगता था कि अब टाइम आ गया है। बीजान हमेशा मानूर को ही अकलौता वारिस समझती। मैं सोच रही थी कि फर्रुख के बारे में जानकर उन्हें शायद यकीन आ जाएगा और उनकी नजर में मानूर की अहमियत कम हो जाएगी। और वैसे भी बेटा, ये जो जागीरदार वडेरे होते हैं ना, ये कभी भी अपनी लड़कियों औरतों को वारिस नहीं बनाते। मुझे यकीन है बीजान एक दफा तस्दीक कर लेंगी ना फरुख की, उसके बाद मुझसे बात करने पे मजबूर हो जाएंगी। और जब ये बात वलीद खान और आबिद को पता चलेगी तो उनसे तो ये बात हजम नहीं होगी, उनका तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो कैसे फरुख को अपनाएंगे? मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो कबूल करते हैं या नहीं। और वैसे भी बेटा, मुझे कभी भी बीजान की जायदाद दौलत से इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस अपने दोनों बच्चों के साथ आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती। मानूर की भी बिल्कुल यही सोच है। आपको पता है वो कुछ दिन हमारे घर पे रही थी अम्मी बाबा और रिदा के साथ, और वो बहुत खुश थी वहाँ। वो मुझे कह रही थी कि उसका हमेशा से ख्वाब था इस तरह के घर में रहना, लेकिन वो घर भी उन लोगों ने चला दिया। कोई बात नहीं बेटा, घर तो दोबारा बन जाएंगे। असल बात तो रिश्तों को कायम रखने की होती है। मुझे बहुत खुशी है और फख्र है अपनी बेटी को कि उसने तुम जैसे लड़के का इंतखाब किया है। तुम्हारे किरदार, तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे हौसले से बहुत मुतासिर हूं मैं बेटा। मुझे खुशी है बेटा कि तुम मेरी बेटी से उसकी जायदाद और दौलत की वजह से नहीं, बल्कि वाकई उसे सच्ची मोहब्बत करते हो। आंटी, अब तो आप मुझे शर्मिंदा कर रही। मानूर तो खुद एक मुख्तलिफ किस्म की लड़की, सारा क्रेडिट तो उसे जाता है कि उसने इतनी ऐशो इशरत और इतनी बड़ी जायदाद छोड़कर मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़के को अपनाया।
खोया तो उसने है सब कुछ। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी सादतमंदी है बेटा। ये बताओ, वो तुम्हारा दोस्त कैसी तबीयत है उसकी? पहले से बेहतर, इंशाल्लाह एक दो दिन में नॉर्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह इससे मिलो तो कहना कि जल्दी ठीक हो जाए। महानूर के आते ही मैं तुम दोनों का निकाह कर दूंगी और तुम्हारे दोस्त का उसमें होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अरे आपने फर्क को बताया निकाह के बारे में? उसका होना भी बहुत जरूरी है, आखिर इकलौता भाई है मानूर का। इंशाल्लाह वो होगा, मैंने उसे वापस बुला लिया है। अफसोस, अफसोस के वलीद खान और उसकी बीवी ने हमसे ये बात छुपाई। कितने बदनसीब हैं हम, कितने बदनसीब कि 18 साल तक हम इस कर्ब में मुब्तला रहे। काश हाशिम का कोई बेटा होता। तड़पते रहे इस आरजू में और वलीद खान हमारी इस बेबसी और लाइलमी पर हंसता रहा। सलाम मालिकन, वो एएसपी हुमायूं है क्या? एएसपी हुमायूं? उसका तो तबादला हो गया था, वो यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा है कोई जरूरी बात करनी है। लगता है अकल आ गई। तबादला रुकवाने आया होगा अपना। मालिकन उसके साथ इमदाद भी है। मुझे तो कोई मामला गड़बड़ लगता है। वो वलीद खान का जो खास आदमी था वो उसके साथ क्या कर रहा है? बुलाओ। इसका मतलब है कि ये इमदाद एएसपी के कब्जे में था। वलीद खान, तुमने हमेशा मेरे लिए मसले खड़े किए। ये सब क्या है ऑफिसर? ये तुम्हें कहाँ मिला? इसे मैंने उठाया था मैडम। और मैं जानता था कि वलीद खान इसे एक रात भी हवालात में नहीं रहने देगा, लिहाजा इसे मैंने अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में ले लिया। लेकिन यहाँ क्यों लाए हो इसे? वलीद खान के हवाले करो। मुझे आपने मौतल करवा दिया। मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया। आपके बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक एहसान लुटा दूं। ऑफिसर, मुझे ये घुमा फिरा के बातें करना अच्छा नहीं लगता है। साफ साफ बात करो, क्या कहना चाह रहे हो? तो फिर साफ साफ सुनिए। 18 साल पहले वलीद खान ने आपकी पोती और आपके बहू को रस्ते से हटाने की कोशिश की। लेकिन ऐन वक्त पर ड्राइवर के लेट होने की वजह से हाशिम अपनी बीवी की गाड़ी ले गया जिसमें खराबी थी और फिर वो हॉलनाक एक्सीडेंट हुआ। कोई नई बात बताओ ऑफिसर, ये तो मैं 10 दफा सुन चुकी हूँ। मैडम नई बात तो इसने बताई। जब मैंने रिफत मैडम के कहने पर केस रीओपन किया तो मुझे पहले दिन से शक था कि हाशिम का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसका मर्डर किया गया है। लेकिन इसने एक ऐसी नाकाबिल यकीन बात बताई जिससे मैं भी हैरान हो गया। दरअसल बात यह मैडम कि वलीद खान का टारगेट ना तो आपकी पोती थी ना बहू, उसका टारगेट हाशिम ही था। उस ड्राइवर को जानबूझकर लेट करवाया गया था ताकि हाशिम उस गाड़ी में बैठ सके जो खराब थी। इस बात का गवाह कोठी का इंचार्ज बशीर था जिसे वलीद खान ने 18 साल तक कैद में रखा।
उसके निशानदेही पे उसे बाजियाब तो करवा लिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे हवालात में किसी ने मार दिया, जिसकी वजह से मुझे मुअत्तल कर दिया गया। मैडम, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मैं आपके बेटे के कातिलों को बेनकाब कर सकूं। आप दोस्त और दुश्मनों के दरमियान फर्क जानती हैं, लेकिन आपने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। मैडम, अगर मेरा ट्रांसफर ना होता तो मैं अब तक वलीद खान को अरेस्ट कर चुका होता। एनीवे, अब मैं जा रहा हूं। आपके बेटे के कातिलों को आपके हवाले करके अब आपकी मर्जी है कि आप इसे छोड़ दें या फिर महनूर के हवाले करें। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तो मर जाता, लेकिन बशीर का नाम लेने की क्या जरूरत थी तुझे? ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, वरना तूने मेरे गले का फंदा तैयार कर लिया था। सरकार, मारने के ऐसे ऐसे तरीके थे उनके पास, अगर मेरी जगह पत्थर भी होता तो बोल पड़ता। मैंने तो बशीर के अलावा और कुछ नहीं बताया। अच्छा, तेरी हालत देखकर लगता तो नहीं है कि उन्होंने तुझे उंगली तक लगाई हो। सरकार, 3 दिन में तो उनका रवैया ही बदल गया था। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, मैं तो डर सा गया था कि जैसे फांसी वाले मुल्जिम को पहले अच्छा खाना और कपड़े दिए जाते हैं। मुझे लगा कि मेरा भी आखिरी वक्त आ गया है, और फिर रात के अंधेरे में पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ दिया। सरकार, मैं भी बच्चों के पास भी नहीं गया, सीधा आपके पास आया। हमायों तो चला गया सर, तो उसने सोचा होगा कि इसको रखने का कोई फायदा नहीं, ना तो वो अपनी मर्जी की FIR कटवा सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया। तू हमारा पुराना वफादार है इमदाद, इसलिए तुझ पे एतबार कर रहा हूं। जो वक्त मुझ पे चल रहा है, मुझे सिर्फ अपनों की जरूरत है। सरकार, मैं ना करूं आपका, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। अगर तू हमारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है तो हम भी अपने वफादारों को भूलते नहीं हैं। तूने हमारे लिए जो तकलीफ बर्दाश्त की है उसका सिला मिलेगा तुझे। इमदाद के अकाउंट में 2 लाख डाल दो। ओके सर, बहुत शुक्रिया सरकार। खादिम है आपके, आपके खादिम है सरकार। बस बस बस, ठीक है, जा जा जा। कोई और आदमी होता तो कभी वापस ना आता। काम का आदमी है ये इमदाद। आप ठीक कह रहे हैं सरकार। सरकार, आपने मैरापुर जाने का फैसला किया या नहीं? मैरापुर जाना पड़ेगा। TIG का 2 बार फोन आ चुका है, वहां जाकर केस संभालना पड़ेगा, वरना
आबिद खान का बचना मुश्किल है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क तब दिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे ईद करा दे, याद मेरा साया, नांझड़ मेरा माही मेरा ढोल मेरा साया। लीजिए बीजा, आपका मुजरिम हाजिर। निजी जिंदगी का हर फैसला मेरी मामा करेगी, और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं तानिया को गोली नहीं मारना चाहता था, मगर जब उसने मुझे माँ की गाली दे के ये कहा के मेरी माँ भी कोठे से लाई गई है। अगर तुम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आबिद खान से खुशी के साथ शादी पर रजामंद हो जाती हो, अपनी माँ मारिफत बेगम के साथ इस हवेली में रह सकती हो। मुबारक हो रहीम गुल, मैं महनूर को हवेली वापस ले आई हूँ। जानती हूँ तुम्हें इस बात पर खुशी नहीं हुई। वलेकर, हम गरीबों की खुशी क्या और गम क्या, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि छोटी मालिका नवेली से चली जाए, मगर मैं जानता था कि आबिद खान से छोटी मालिकन की शादी उनको जिंदा दरकोर कर देगी। मैंने जो कुछ भी किया छोटी मालिकन की खुशी के लिए किया। आगे उसका नसीब। अफसोस अफसोस रहीम गुल, तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं किया। मैं तो खादिम हूं, मुझे कैसे बता सकती हूँ। गुल बाबा, आप उनसे जाके कह दीजिए, मैं उनसे तब मिलूंगी जब मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाएगी। ठीक है बेगम साहबा, मैं आपको पैगाम पहुंचा दूंगा मालिकन को। बेगम साहबा, अगर आप नाराज ना हो जाएं तो एक बात पूछूं। जी बिल्कुल पूछिए। वो छोटे खान जी का कोई बेटा भी है? जी बिल्कुल, फरुख नाम है उसका, हाशिम की मौत के बाद पैदा हुआ था वो। उसी की तो जान बचाने के लिए मैं यहाँ मानूर को छोड़ के चली गई थी। तुम साहब, मैं जिंदगी में कभी छोटे मालिक फर्रुख बाबा से मिल सकूंगा? हाँ बिल्कुल मिल सकेंगे, वो वतन वापस आ रहा है, मैं आपकी मुलाकात जरूर कराऊंगी उससे। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। काश मैं मैडम ज़ैबुन्निसा का ये जवाल देखने के लिए मौजूद होता, बट आई एम ग्लैड सब कुछ ठीक हो गया। बाकी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं एंड बेस्ट ऑफ लक। आई बिलीव मेरा काम यहाँ खत्म होता है।
मैं चलता हूँ। मयूर साहब, आपने हमारा बहुत साथ दिया है, जिसका बदला हम इस जिंदगी में तो नहीं चुका सकते, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। आप जैसे ऑफिसर्स को ना बड़ी सी बड़ी पोस्ट पे पहुंचना चाहिए, ताकि खल्के खुदा की खिदमत हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी ठीक कह रही हूँ मैं, तुमने तो अपना काम हम सबसे भी बढ़ चढ़ कर किया। गोली भी खाई, अल्लाह करे हम सबकी जिद्दोजहद नाकाम ना हो। तुमने इमदाद अली को ज़ैबुन्निसा के सामने ला के बहुत अच्छा किया। हो सकता है कि उनका रवैया चेंज हो जाए, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट तो है, 10 दिन के बाद वहां हियरिंग है, एंड आई एम श्योर के सुप्रीम कोर्ट में ज़ैबुन्निसा की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। इंशाल्लाह सर। एंड वेट अ सेकंड, आई हैव टू शेक हैंड्स विद यू। थैंक यू वेरी मच सर। गुड लक, सेम टू यू। मुझे इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। Take care. हाँ आना तो मना कर दो, मशीनें खराब पड़ी हैं, ऑर्डर कैंसिल करो। बाहर निकल, निकल बाहर। कौन है तू? बाहर निकल। ए! कौन है तू? कौन है तू? अदील खान नाम है मेरा, और रिश्ते में होने वाला बहनों। मुझे तो जानता ही है कि मैं कौन हूं। तुझे कौन नहीं जानता? तानिया बेगम के कोठे पे गाने वाली फरजाना बेगम की इकलौती। बकवास बंद कर अपनी, वरना मैं तुझे भी वहां पहुंचा दूंगा। अच्छा, मुझे वहां पहुंचाएगा तू? हर कोई तुम्हारी तरह कोठे की पैदावार नहीं होता। कल जो बदतमीजी तूने मेरी बहन के साथ की है ना, जान से मार दूंगा। क्या मर्दानगी दिखाई तूने अपनी? हां, क्या मर्दानगी दिखाई है गार्ड्स और बदमाशों के दम पे? उतारो, बस उन्हीं के सामने शेर बन सकते हो तुम लोग। हां, उन्हीं के सामने शेर बन सकते हो। आता लगा क्या करेगा? इधर चल। क्या करेगा? बहुत शेर बन रहा था ना उस दिन। मत बनता है ना तू बहुत बड़ा। मार मुझे, मार, मार ना, मार, मार मुझे, मार, मार जरा। क्या हुआ? जवान निकल गई तेरी, निकल गई जवान। हाँ, देख, देख। ये पूरा इलाका मेरा अधीर, पूरा इलाका मेरा। अगर तू मुझे मारेगा ना भी, तू खुद भी नहीं बचेगा, इसको नहीं चेगा। जानता हूं कि पूरा इलाका तेरा, अभी तेरे गार्ड्स भी आते होंगे। चल चल, इसको इसको नीचे रख, प्लीज इसको पीछे कर। जाओ, मैं आ रहा हूं। आज तो तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया। अगर आइंदा तूने ऐसी कोई हरकत की ना, तो तेरे घर में घुस के मारूंगा मैं तुझे, समझा? आंटी, आपको मुझे बताना तो चाहिए था, मैं भी आपके साथ एयरपोर्ट चलता। आप तो अकेली अकेली जाके ले आई फारूक को।
मैं खुद ही नहीं चाहती थी कि एयरपोर्ट इतने सारे लोग जाएं। अगर हालात अच्छे होते तो शायाने शान इस्तकबाल करती मैं अपने बेटे का। शायद अब ठीक कह रही हैं। वैसे है कहाँ हमारा छोटा भाई? फारूक अपना सामान अनपैक कर रहा है, बुलाऊं उसे? हाँ बुलाएं। फारूक बेटा इधर आइए, देखें आपसे कौन मिलने आया है। जी मामा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक। ये अदील भाई है ना? हाँ। अरे वाह एक्सीलेंट। इसमें मेरी कोई जहानत नहीं, मामा ने आपका जिक्र ही इतना किया है, अगर आप बाहर भी मिलते तो मैं आपको पहचान लेता। वाह अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा गुजरा? कोई खास चेंज महसूस नहीं हुआ भाई। सच्ची बात तो है कि मैंने आज तक कभी जहाज का सफर नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ खास पता नहीं, हमेशा फिल्मों में देखा। आपको ये लेके जाएंगे ना अपने साथ, तो आप देख लीजिएगा कि जहाज का सफर कैसा होता है। थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा मैं अपना सामान समेट लूं। माशाल्लाह, जैसा आपने बताया था उससे ज्यादा ज़हीन और कॉन्फिडेंट लड़का। हाँ माशाल्लाह। अच्छा बताओ तुम कुछ खाओगे पियोगे बेटा? नहीं नहीं बस मैं, मुझे चलना चाहिए। अरे हाँ आपको एक बात तो बतानी भूल गया। कौन सी बात? ज़ैबुन्निसा मुझसे और अब्बा से मिलना चाहती। अच्छा तो आपके अब्बा ने क्या कहा? अब्बा तो मिलने से मना कर रहे थे, लेकिन मैंने अब्बा को कहा कि मिलने में कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है कि कोई वे आउट निकला। नामुमकिन है, वो तुम लोगों को डरा धमका कर रास्ते से नहीं हटा सके। अब मुमकिन है कि लालच देकर खरीदने की कोशिश करें। और हम बिकने वाले तो है नहीं। वैसे तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, मिलने में कोई हर्ज भी नहीं, हो सकता है तुम्हारी कोई बात उनके समझ में आ जाए। पहले कभी मिले उनसे? अरे नहीं, ऐसी हमारी किस्मत का, बस दूर से देखा, उनसे हम कलाम होने का शर्फ पहली बार मिलेगा। तो कब जा रहे हो हवेली? अब्बा ने हवेली जाने से मना किया, वो चाहते हैं कि हम कहीं बाहर मिलें। ठीक क्या तुम्हारे पापा जान ने, बी जान का कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर गुजरे। वैसे भी वो हारी भी जंग लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो अब कुछ नहीं कर सकती। अब तो कोई भी नहीं है। हमसे पहले पहुंचना उसकी शान के खिलाफ है बेटा, पर उसके आदमी ने उसे खबर कर दी होगी, वो आएगी जरूर। ये है तुम्हारा बेटा, इसे कोई और घर नहीं मिला, जहां पर जो इस पर जवानी का जोश चढ़ा हुआ है वहां जाकर ये उतार सकता अपना। ज़ैबुन्निसा बेगम ये मेरा सलामत अली यूसुफ जई का बेटा है, खानों का कोई औबाश लड़का नहीं है जो अपने हवस मिटाने के लिए इधर उधर मुंह मारता है। सलामत अली रस्सी चल गई पर बल नहीं गया,
अगर तुम्हें अपनी बर्बादी का बदला लेना था मर्दों की तरह सामने आते, ये बहू बेटियों को वरगलाने का खेल खेलने का कोई फायदा नहीं। आप गलत समझ रही हैं मैडम, और ये सब कुछ तो अब्बा को बहुत बाद में पता चला, और जिसे आप खेल समझ रही हैं वो तो एक पाकीजा जज्बा है जिसे हम मुकद्दस रिश्ते का नाम देना चाहते हैं। ओह, तो तुम रिश्ता जोड़ोगे, खानों से रिश्ता जोड़ोगे। वाह, औकात देखी तुमने अपनी। तुम्हारे आबा व अजदाद जो है ना, ये जिंदगी भर से सदियों से खानों के सरखरीद गुलाम रहे, हमारी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहे, और आज तुम हमसे बराबरी करना चाहते हो। वाह वाह, झूठ बोल रही है यार। गुलामी करने वाले कोई और होंगे, हमारे खानदान ने हमेशा आजाद जिंदगी बसर की है। अपनी जमीन थी हमारी जो तुम्हारे बाप ने छीन ली हमसे, फिर भी हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और यही बात खानों को गवारा नहीं है। वो हर एक को अपना गुलाम अपना मोहताज देखना चाहते हैं। गरीबों और किसानों की मेहनत की कमाई पर पड़ते हो तुम लोग। अगर ये आसमान बारिश बरसाता है और ये जमीन अनाज उगलती है तो आपके लिए नहीं, कीड़ों मकौड़ों द्रिंद प्रिंद चिरिंद के लिए ये होता है सब कुछ। आपके तो आमाल इस काबिल नहीं है कि आसमान से बारिश बरसे, सूरज से धूप और हवा आपको नसीब हो। गलत फहमी है तुम्हारी सलामत अली, हमारे आबा व अजदाद सदियों से यहां पर राज कर रहे हैं, और खानों ने अपने खून पसीने की कमाई से यहां पर ये सारी सल्तनत कायम की थी, और आज मैं इसकी वारिस हूं, और मेरे बाद महनूर इसकी वारिस होगी। हाँ, अब समझी, शायद इसीलिए तुम बाप बेटों ने उसे साजिश के तहत फंसाया। ओ, मगर महनूर मेरा खून है, देखा तुमने कैसे वापस आई वो? वो आपके पास अपनी खुशी से नहीं आई मैडम, आपने उसे दिन दहाड़े गुंडागर्दी करके अगवा करवाया। और अगर महनूर की मामा हमें ना रोकती ना, तो हम महनूर को दोबारा आपकी हवेली से निकाल चुके होते। अपनी औकात में रहो लड़के। वो हवेली है खानों की हवेली, किसी मुफलिस की कुटिया नहीं है कि जिसका दिल चाहे वहां घुस जाए। अगर मुनज़्ज़ा ने नमक हरामी ना की होती तो तुम्हारी क्या औकात थी वहां पर तुम दाखिल हो सकते। सलामत अली, अगर अब तुम्हारे बेटे ने ऐसी हरकत की तो मुझे अफसोस है कि तुम्हें अपने जवान बेटे की मैयत को कांधा देना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में तुम्हें यह सदमा उठाना पड़े, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपने इस बेटे को अपने घर वालों को लेकर यह इलाका छोड़ दो। इसके बदले तुम्हें जो कुछ चाहिए, जमीन पैसा धेला जो कुछ तुमको चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। इससे ज्यादा आप कुछ सोच भी नहीं सकते। आप जमीन जायदाद पैसा इसी को जिंदगी समझती हैं, इसीलिए आप इंसानों को तोलती हैं। आप क्या समझती हैं, आप ये जमीन के चंद टुकड़े मेरे सामने फेंकेंगे और आप महनूर को मुझसे छीन लेंगे? यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर महनूर के बदले में आप ये पूरी रियासत भी मेरे नाम कर देना, तब भी मुझे सौदा कबूल नहीं। है
तो फिर कम से कम इस जिंदगी में महनूर तुमको नहीं मिल सकती, ये याद रखना कि मैंने कहा है ज़ेबुन्निसा। इमदाद ने मुझे सब कुछ बता दिया, मेरी सारी जिंदगी की गफलत पर से पर्दा हटा दिया उसने। इमदाद, जानी प्लीज बस कर दे, यहाँ खून बह चुका है, हर चीज आपके हाथ से रेत की तरह निकलती जा रही है और आपको एहसास तक नहीं। आबिद साहब, मेहरापुर से पुलिस पार्टी आई है आईजी साहब के हुक्म पे आपको गिरफ्तार करने के लिए। तू मुझे गिरफ्तार करेगा आबिद खान को? यही रह जाना, चित बना दे, जीत करा दे, यार मिला सा।